नांदेड़ में जमीन माफियों ने अब नए तरीकों से जमीन मालिकान को परेशान करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर जमीन मालिकों के बारे में मनफी बातें फैलाकर जमीन छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे ही एक मामले में सैयद निजामुद्दीन को परेशान किया जा रहा है। सैयद निजामुद्दीन ने ब्रह्मपुरी इलाके में 42 घंटे अराजी दो भाइयों से खरीदी, लेकिन 2017 के बाद अराजी वर्क दो में चली गई, जिसकी वजह से निजामुद्दीन को कानूनी तौर पर फीस भरनी पड़ी। लेकिन अब जमीन माफियाओं ने इनकी इस अराजी को वक्फ की करार देने के लिए अफवाहें गर्म कर दी हैं, जिससे बरहम होकर सैयद निजामुद्दीन ने मीडिया के सामने अराजी की कानूनी दस्तावेजात जाहिर किए और वाजे किया कि इस पर ना ही कोई मस्जिद है और ना ही ये अराजी किसी की इनामी है। इन्होंने कहा कि जो लोग अराजी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम सैयद निजामुद्दीन है, पिता सैयद खयामुद्दीन भाई। ये हम लोग जो ठहरे हुए हैं, ये गढ़ नंबर सरो नंबर 38 है। मैंने ये 42 गुंडे जगह इन दोनों भाइयों से लिया है। कौन सा इलाका है ये? ब्रह्मपुरी का इलाका है, बुंडार बाईपास ब्रह्मपुरी और सर्वे नंबर 38। 42 जो मैंने जगह खरीदी है दोनों भाइयों से खरीदी है, उत्तम भाले राव और भगवान भाले राव। ये दोनों भाइयों से मैंने 42 जगह खरीदी और मैंने इसका लिया डाला। ये 2017 तक वर्ग एक में था, उसके बाद ये वर्ग दो में चले गया, तो हमने कानूनी कार्रवाई से गवर्नमेंट को दो नजराना भरना पड़ता है इसकी फ़ीस, वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ और मैंने उसकी कार्रवाई के लिए पेपर दे दिया हूँ। 4 महीने का वक्त है उसका। गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने कहा कि भाई 4 महीने के बाद ये पेपर आपके हाथ में आएंगे, उस वक्त आप ये प्लाटिंग करना, इसको बेचना। हमने तब तक के लिए ये लेआउट को रुका दिया है और हमने इसमें प्लाटा बेच रहे नहीं और ना हमने किसी मस्जिद के लिए कोई जगह बेची है इसके अंदर। बाज लोग उसके अंदर अफवाहें कर रहे हैं कि भाई सर्वे नंबर 40/1 का बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद के लिए बेची है। लोगों को फंसू नहीं कर रहे, हम ना किसी को फंसू नहीं करें ना किसी को फंसाए भाई साहब। हमारा कैसा काम और व्यापार जो क्लियर है, मार्केट के आदमी है। बाज लोग कैसा है उसमें आगे पीछे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम आपके सामने बात रख रहे हैं कि भाई ये जगह क्लियर है। 42 जो जगह लिए दोनों भाइयों से लिए है, ये सौदा चिट्ठी हमारी है। मैंने जो की है सौदा चिट्ठी, इसके अंदर 15 महीने का करार था और 4 महीने हमको टाइम मिला है इसके पेपर क्लियर करने के लिए। पेपर जब क्लियर होंगे तभी हम ये प्लाटिंग बेचेंगे। जब तक हम ना प्लाट बेचने वाले हैं ना कोई इसकी मस्जिद की जगह दी हमने। और लोग कहते हैं इनामी जगह है, इनामी है तो कौन से मस्जिद की है, कौन सी दरगाह की है या कोई मंदिर की है, तो हमको बताओ। इनाम है, अगर वर्ग दो में गया तो हम उसका नजराना भरने के लिए तैयार है, उसकी कार्रवाई के लिए मैंने पेपर दे दिया हूँ। अब ये दो भाई भी मौजूद है जिससे मैंने जगह लिया, भगवान गणपति भालेराव। ये जागा आमच्या आजाच्या पासून आमच्याजवळ आहे, आमची मालकी हकाची जागा आहे। आता आम्ही लिजाम भाईला ऐकली, नाही नाही साहेब दुसऱ्याची जागा नाही, आमची आहे, आमच्या आजापासून आहे। आमच्या आजाचं नाव होतं रामया नाग्या, आमच्या बापाचं नाव होतं गणपती रामा, आणि आम्ही त्याच्या गणपती रामाचे वारस।